हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और E24। मैं हूं नीतू कुमार और आज मैं बात करूंगी बॉलीवुड स्टार्स और उनकी शादियों के बारे में। 2021 में बहुत से सितारों ने शादी रचाई। कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी जो है सबसे ज्यादा चर्चा में रही। वहीं इसी साल जो है वरुण धवन ने भी शादी रचा ली थी जनवरी महीने में अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ। आपको बताएं, अंकिता लोखंडे ने भी शादी की। इसके अलावा यामी गौतम ने भी शादी रचाई। लेकिन अब जो है 2022 में भी बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनके घर शहनाई बजेगी। जी हाँ, सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का। ये जोड़ी पिछले 2-3 सालों से डेट कर रही एक दूसरे को और कपूर खानदान की बहू बनने के लिए आलिया भट्ट जो है पूरी तरह से तैयार है। आए दिन उनको नीतू कपूर के साथ देखा जाता है और खबर थी कि पिछले इसी साल दिसंबर में वो शादी करेंगी, लेकिन अब ये चर्चा है कि 2022 में जो है ये दोनों शादी कर सकते हैं। तो फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार इसी जोड़ी की शादी का है। लोग देखना चाहते हैं कि आलिया जो है कब कपूर खानदान की बहू बनेंगी। इसके अलावा एक दूसरी जोड़ी है जिसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन ये शादी कब करेंगे इस बारे में कुछ पता नहीं। और ये जोड़ी है मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की। 47 साल की मलाइका जो है खुद से 12 साल छोटे अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। ये जोड़ी अक्सर साथ दिखती है और ये खुलेआम जो है अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन ये शादी कब करेंगे इसकी चर्चा होती रहती है। आपको ये बताएं कि कहा जा रहा है कि 2022 में जो है मलाइका और अर्जुन शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ये शादी करेंगे ये अभी कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी तरफ से जो है शादी को लेकर कोई खास इशारा अभी नहीं मिला है। बॉलीवुड में एक और जोड़ी है जो बहुत हिट है, वो है शेर शाह फेम सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। जी हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा की जोड़ी भी बहुत पसंद की जाती है। ये कपल जो है पिछले कई सालों से साथ हैं। आलिया भट्ट से ब्रेकअप के बाद जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा के नजदीक आ गई थी कियारा आडवाणी। दोनों ने शेर शाह फिल्म में काम किया और अब कहा जा रहा है कि ये दोनों भी 2022 में शादी कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने खुलकर अपनी शादी के बारे में कोई बात नहीं की है। कोरोना काल में जो शादी रुकी वो शादी थी अली फजल और ऋचा चड्ढा की। ये दोनों जो है 2020 में ही शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी शादी टलती रही क्योंकि ये धूमधाम से शादी करना चाहते थे। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि 2022 में कहा जा रहा है कि ऋचा चड्ढा और अली फजल जो है वो शादी कर लेंगे और ये अब जो है वेट नहीं करेंगे और 2022 में जो भी सही मौका हाथ लगेगा ये दोनों जो है शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अली फजल और ऋचा चड्ढा के बाद जो है एक और जोड़ी है जिसकी शादी की खबर आ रही है और वो जो है 2022 में शादी कर सकते हैं, वो है आपको बताएं मौनी रॉय और उनके बॉयफ्रेंड सूरज नामियार। सूरज नामियार जो है यूएई बेस्ड बिजनेसमैन है और अक्सर मौनी को जो आपने देखा होगा पूरे लॉकडाउन के दौरान या कोरोना वायरस का जब कहर रहा बॉलीवुड पर, इस दौरान वो दुबई में ही रही और कहा जा रहा है कि अब मौनी रॉय भी जो है अब शादी के बंधन में बन जाएंगी, वो भी 2022 में जो है शादी कर लेंगी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में और टीवी शोज में नजर आ चुकी करिश्मा तन्ना भी जो है साथ फेरे लेने के मूड में है। करिश्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सगाई हो चुकी है और वो जो है वरुण बंगीरा के साथ जो है शादी करने वाली है और इसी साल वो जो है शादी करेंगी और कहा जा रहा है कि वो अपनी शादी बहुत धूमधाम से करने वाली है। तो बॉलीवुड में जो है शादी का सीजन है। 2022 में जो है शादी की शहनाइयां जो है बजती रहेंगी। 2021 में भी बहुत सारे सितारों ने शादी रचाई और अभी जब बॉलीवुड की रफ्तार जो है कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी थमी हुई है तो ऐसे में बहुत सारे सितारे हैं जो चाह रहे हैं कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए और वो जो है फिर से एक मतलब कह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ जो है सही समय बिता सके और शादीशुदा जिंदगी बिता सके।